पुलिस वाले जो देख रहे हैं, इन्होंने मेरा वीडियो डिलीट करवा दिया, ठीक है, क्योंकि ये बहाना बना रहे थे कि इनका आ गया है। और यहीं पे बेसिकली मेन ठगी का काम होता है, जामताड़ा। वीडियो डिलीट कीजिए। हाँ, डिलीट कर दो। वीडियो डिलीट कीजिए। हाँ, डिलीट कर दो। गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो ये हमारा हावड़ा में लास्ट दिन है, कोलकाता में लास्ट डे है, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और सुनाम जी ने, सुदीप जी ने हमें बहुत हेल्प किया, और थैंक यू आप लोग को बहुत बड़ा वाला। आप लोग को शादी में आना है बिल्कुल, ठीक है ना, पक्का से। बाय करो उम्मा दी, उम्मा दे दो एको जल्दी, उम्मा दो मौसी को जल्दी दो। हाँ, आपको ठीक। ठीक है भाई, आप लोग भी चलो। ये तो 12:52 हो गया है, और बहुत मुश्किल से हम लोग को ये टैक्सी मिला है। एक ही टैक्सी नहीं आ रहा था, पता है। क्या बोल रही हो, कह रहा को बहुत गर्मी लग रहा है ना। गर्मी हम लोग की भी साइड है, हम लोग बाहर निकलते नहीं है ना, दिन में, शाम को ही निकलते हैं। हाँ, तो हम भी दिन भर तो ऑफिस के अंदर ही रहते हैं। तो बाय बाय हावड़ा। बहुत हम लोग को हेल्प किए वो सुनाम जी और सुदीप जी, अगर हेल्प नहीं करते तो शायद हम लोग कर ही नहीं पाते कुछ ना, आइडिया ही नहीं था। बड़ा बाजार इतना बड़ा है, वाकई में उसका नाम बड़ा बाजार है, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। मतलब हर रास्ता, हर चौक, हर रास्ता वहाँ एक ही है। इधर से जाइए तो अगला वैसा ही मिलेगा, फिर उधर से जाइए तो अगला वैसा ही, इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा अगर आप लोकल नहीं है तो। अब भीड़ तो बहुत ज्यादा था, बहुत। कल मंडे को बहुत ज्यादा भीड़ था, संडे को तो कम हर। तो संडे को बहुत सारा मार्केट बंद था ना, इसलिए। तो वो है ईडन गार्डन का मैदान, ये वाला ईडन गार्डन का मैदान है। बाहर से कितना खूबसूरत है, अंदर से तो खूबसूरत होगा ही। हाँ, शॉपिंग में इतना ज़्यादा रह गया कि हम लोग कहीं घूम भी नहीं पाए ना। कह रहा तो थक गई इतना कि सो गए। क्या स्टाइल से सो रही है, वाह 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 वाह। एक फ़ोटो हो जाना चाहिए सर इसका। फैमिली ये है रणवीर सिंह, ये कौन है विद्या बालन, और ये कौन है ये बताइए आप लोग, ये जो देख रहे हैं इतना बड़ा, ये कौन है। हावड़ा ब्रिज, अब हम लोग हावड़ा ब्रिज पे हैं, हमारा आने वाला है। और ये हुगली नदी है नीचे, ये नीचे हुगली नदी कहा जाता है, इसका एक चाबी भी है जो मतलब बीच से खुल जाएगा, जो अंग्रेजों ने नहीं दिया था। और ऐसा माना जाता है कि 12 बजे दिन में ही गिरेगा या 12 बजे रात में, जो था इसका ना इंजीनियर वो बोला था या तो 12 बजे गिरेगा, लेकिन दिन में बोला या रात में बोला ये नहीं बताया। तो वो लगता है कि 12 बजे दिन में और 12 बजे रात को बंद हो जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ लोकल से पूछते हैं क्या ये बात सही है कि 12 बजे दिन में या रात में बंद रहता है ये ब्रिज क्या। तो मतलब यूट्यूब पे जो वीडियो है वो फेक है कि 12 बजे बंद हो जाता है और 12 बजे दिन में खुल जाता है। तो अभी वायरल भी हुआ था, उसका मिलियन में व्यूज गया था, हम वीडियो देखे थे, पता है उसका मिलियन में व्यूज गया था, मिलियनों में, मतलब 4-5 मिलियन। झूठा कहानी पे सस्पेंस बना के बोला था ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोकल बता रहे हैं यहाँ। पहुँच चुके हैं फाइनली हावड़ा, लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा सामान था तो ये कूली को दे दिए हैं, ये लेके जा रहे हैं, क्योंकि 9 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना है, और 11 गोदी गोदी करते रहते हैं, तो इसको गोदी पे लेके जा रहे हैं। और सो गई थी, ये 2 दिन बहुत एडजस्ट की, बहुत ज़्यादा एडजस्ट की है मेरी बेटी। तो हावड़ा स्टेशन अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन के पास, पता नहीं ट्रेन आई है कि नहीं, 2 बजे टाइमिंग है और 1:30 बज चुका है, तो देखते हैं वहाँ पहुँच के, देखते हैं क्या। और सबसे बड़ा चीज़ है इस, ये एंडिंग ही है,
मतलब इसके आगे कोई स्टेशन ही नहीं है हावड़ा में, पता है क्या रहा? जितना भी ट्रेन देखेगा देखिए वो ट्रेन लगा हुआ है एक दो एंडिंग में ही लगा हुआ है। अभी पास से आपको दिखाते हैं, वो ट्रेन आपको दिख रहा होगा देखिए, उसके बाद इधर स्टेशन ही नहीं है और हर ट्रेन वहाँ मतलब एक लाइन से लगा हुआ है सारा ट्रेन। ट्रेन तो लगा हुआ है और पुलिस झूठ बोल दिया कि ट्रेन आने वाली है, अभी आया नहीं होगा। तो ट्रेन तो लगी हुई थी और अभी ट्रेन पे आ गए हैं, चेयर कार है तो तीन सीट है हम लोग का इसमें। ऊपर रखना होगा ना? हाँ ठीक ठीक है, प्रणाम। ना भारी हो गया बैग तो यही हम लोग का 55-56-57। 2-5 हो गए, इनफैक्ट 2-6 हो गए और ट्रेन हमारी खुल गई है और नेहा बहुत सैड है क्योंकि घूम भी नहीं पाई हूँ। नाटक बहुत घूम ली, जो भी घूमी। तो क्या रहा का अपना मुँह चालू हो गया, ओट्स खाई, अब भुजी खा रही है, अब क्या खाएगी? क्या रहा क्या रहा? कुछ नहीं, अब सीधे रात को शाम को ले लिए खा लेती है थोड़ा बहुत, तो ले लिए ऐसे बना के, कुछ भी लेती तो खराब हो जाता। और हम लोग सीटर वाले पे लिए हैं क्योंकि 4-5 घंटे में हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। और भूख लग गया और अब देख रहे हैं कुछ है खाने के लिए कि नहीं, देखते हैं। हाँ तो देखते हैं, कुछ अगर अच्छा होगा तो लेंगे, अभी एक ले रहे हैं उसके बाद। ये फैमिली, तो अभी हम लोग एक ऐसा जगह पहुंचने वाले हैं जो बहुत फेमस जगह है और क्यारा जो है, क्यारा अभी पीछे बात कर रही है ना, सारा चीज़ बता रही है, हम लोगों को तो पता ही नहीं था इतना बात करती है। नाम तुम्हारा क्या है, तुम्हारी मम्मी का, पापा का, मतलब क्या पढ़ती है, कहाँ घर है, सब बता दी एडवांस में ना। पोल मतलब पोल नहीं, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दे दी, मतलब घूम जाएगी कहीं तो बता सकती है कि कहाँ है, बस मोबाइल नंबर अब याद कराना होगा इसको। अब मोबाइल नंबर याद करा तो गिरेगी कहाँ चल गई। तो अभी जैसा कि हम बताएं कि बहुत फेमस जगह आने वाला है, मतलब साइबर से रिलेटेड, तो चलिए दिखाते हैं आपको वहाँ, चलते हैं, मतलब वहाँ नहीं मतलब स्टेशन दिखाएंगे आपको। हाँ यहाँ स्टॉपेज है। हे फैमिली, तो जिस जगह के बारे में हम बता रहे थे वो ये जगह है जामताड़ा, जो कि हाल में ही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और ये बंगाल में ही पड़ता है और बंगाल झारखंड का बॉर्डर है मे बी। तो यही है जामताड़ा स्टेशन और यहाँ अभी ट्रेन रुकी है और साइबर के नाम से डर लगता है अगर आप लोग को, आपके फ़ोन पे आता है कि आपने लॉटरी पाया है, आपने कुछ भी मतलब, या आपने इनाम जीता है, आपने गाड़ी जीता है, आपने हेलीकॉप्टर जीता है, तो ये वही जगह है जामताड़ा जो मतलब बिहार और सॉरी जो बंगाल में पड़ता है लेकिन झारखंड का बॉर्डर है। और यहीं पे बेसिकली मेन ठगी का काम होता है जामताड़ा। पुलिस वाले जो देख रहे हैं इन्होंने मेरा वीडियो डिलीट करवा दिया, ठीक है, क्योंकि ये बहाना बना रहे थे कि इनका आ गया है, लेकिन मतलब इन्होंने डिलीट करवाया लेकिन इनको पता नहीं है मेरे रिसाइकिल बिन में, जबकि अलाउ नहीं है। हम स्टेशन का तो ब्लॉगिंग कर ही सकते हैं, ये तो मतलब हम स्टेशन पे ही कर रहे हैं, हम किसी के घर जाके जामताड़ा का तो ब्लॉगिंग कर रहे नहीं हैं, तो वो शूट भी हम करते लेकिन कर नहीं पाए। Hey guys, so अभी हम लोग लखीसराय पहुँच चुके हैं, रात के 8 बज रहे हैं और क्यारा तो गोदी में ही रहती है हमेशा। आराम से पहुँच गया ना? हाँ। और वो भी हो गया और सामान के लिए भारी भी था, तो थैंक गॉड यहाँ भी पुली मिल गया, तो ये लेके अभी जा रहे हैं हम लोग को नीचे। हम लोग आ गए थे और क्यारा भी आ गई, खुश है घर आके बहुत ज्यादा और बहुत कनेक्टिंग हम लोग को मिल गया, वहाँ कोली फिर यहाँ भी कोली और यहाँ पे टैक्सी और हम लोग को पहुँचा दिया सीधे घर पे, सामान पहुँचा दिया ढोके, तो बहुत आराम मिल गया। आधे के साथ नेहा यहाँ पे दाल चावल बना रही है क्योंकि सोचे जल्दी जल्दी में यही बन सकता है।
हाँ भूख भी लग गया बहुत तेज, क्योंकि दिन में कुछ खाए नहीं थे और सुबह ही खाए थे और कुछ कुछ खाते रहे थे हम लोग ट्रेन पे, लेकिन उससे तो मन भरता नहीं है। और नीचे हमारे रेंटर को बोल दिए थे दूध लेने के लिए, तो दूध लेकर रखे थे। चावल के लिए यहाँ पानी खोल रहा है, वहाँ पे दाल चढ़ा दिए नेहा, और ये क्या क्यारा का चावल बना रही है। तो अभी हम लोग कपड़ा पहले चेंज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। और क्यारा अपने मिट्टी खाने में लग गए, यहाँ पे मिट्टी खा रही है। हाँ दिखा तो, ये क्या लगा है, ये क्या है, मिट्टी खाती है लड़की, गंदी बच्ची।